हेलो दोस्तों, केपीटी कंपनी का 14 इंची कटिंग मशीन। मशीन हम चला के देखते हैं, साउंड और मशीन में जो प्रॉब्लम है, इसका जो व्हील है ना, हम कटिंग व्हील लगाने से जब भी लोग काटते हैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, इसमें यही दिक्कत है। तो हम पहले व्हील को खोल लेते हैं, खोलने के बाद आपको दिखाएंगे इसका जो वाइब्रेट क्यों करता है, वाइब्रेट करने का वजह क्या होता है, उसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हो, हम आपको दिखाएंगे। पहले हम मशीन को खोल लेते हैं। पहले आप व्हील को निकाल लीजिए बढ़िया से। ये मशीन बहुत ही बढ़िया कंपनी ने दिया है। इसका जो फंक्शन है, आपको दूसरे मशीन जैसा देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। देखिए, जितने भी मशीन है उसमें नाट चार दिया रहता है, इसमें चार नाट नहीं है। आप नाट गिन लीजिए कितने नाट है, देखिए। इसमें शायद पांच नाट है। देखिए, हाउसिंग को हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, हाउसिंग हम ओपन कर लिए हैं। इसमें ये जो गियर है ना, ये हिल रहा है, यही दिक्कत होगा शायद, आपको दिखा रहे। देखिए देखिए देखिए, ये गियर हिल रहा है, तो स्पैंडल गियर प्ले हो गया है। ऐसे होने से क्या होता है, जब भी हम इसको चलाते हैं ना, तब इसमें थोड़ा वाइब्रेट करता है। अब वाइब्रेट करने से व्हील भी वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट व्हील करेगा तो काटिंग बढ़िया से नहीं होगा। मशीन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, आपको जो लोहे यहाँ पे काटते हो ना, आपको बढ़िया से काट नहीं पाओगे। मशीन भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, आप चला भी नहीं पाओगे। तो आपको इसको ठीक करना है। कैसे आप ठीक करोगे, पहले हम गियर को ओपन करेंगे, स्पैंडल बाहर कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे उसमें कितना ज़्यादा ख़राब हुआ है। ख़राब कम होगा तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा होगा तो हम उसको चेंज करना पड़ेगा। तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो मशीन को खोल लेते हैं, पहले कार्बन खोलते हैं। कार्बन खोलने के बाद आर्मेचर निकल के देखेंगे और भी कुछ ख़राब है नहीं है। देखो, आप कुछ भी मशीन लेके आओ बढ़िया से रिपेयर करना, तो पूरा मशीन आपको खोल के देखना है। उसके बाद उसमें जो भी छोटे बड़े दिक्कत होगा, ख़राब होगा, कुछ भी रहेगा, आपको चेंज करना है। चेंज करना, बैरिंग को ख़राब रहेगा तो चेंज कर देना, नहीं तो आप बैरिंग बढ़िया रहेगा तो आप ग्रीस करने के बाद उसको फिर से फिटिंग करके छोड़ सकते हो। ये जो मशीन का कार्बन है ना, थोड़ा पतला है। दूसरे जो मशीन है ऐसे आपको कार्बन नहीं इसमें सेट होगा, कार्बन आप मार्केट से खरीद के घिस के सेटिंग कर सकते हो, नहीं तो केपीटी कंपनी का कार्बन इसमें फिटिंग कर सकते हो। कार्बन दूसरे मशीन जैसा नहीं है, थोड़ा पतला है। केपीटी कंपनी हर कार्बन पतला है। अभी नया जो भी मशीन निकले है वो CM4 का कार्बन 5 इंची कटर में फिट हो जाते हैं, नहीं तो दूसरे जो पहले मशीन निकला था उसमें पतले कार्बन कंपनी ने फिटिंग करते थे, तो बहुत दिक्कत होता था, पतले कार्बन मार्केट में नहीं मिलता था, तो घिस के हम लोग फिटिंग करते थे। केपीटी कंपनी का अभी जो CM5 मशीन तैयार किया है उसमें CM4 कार्बन फिट होता है। पहले जो काटिंग मशीन था 5 इंची का, उसका कार्बन बहुत पतला है, तो वो कार्बन आपको मार्केट में खरीदने को नहीं मिलेगा, तो कंपनी से आपको ऑर्डर देना पड़ेगा तभी आपको कार्बन मिलेगा।
नहीं तो आपको कार्बन का घिस के आप फीडिंग कर सकते हो। और एक दिक्कत है, उसमें जो स्प्रिंग यूज़ करते हैं थोड़ा पतला है। देखिए मैसिन का नाट मैं खोल लिया हूँ, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको ऐसे इसको डाइवर से प्रेस करके आपको ओपन करना है। देखिए आपको हैंडल भी खोलना है, देखिए धीरे से उसको भी पेचकस से आपको थोड़ा बहुत ऐसे करके ऊपर उठाना, तभी आप उसको खोल पाओगे। देखिए धीरे धीरे करके खोलना, बॉडी भी बाहर आ गया। देखिए ये जो इसमें आपको रिवर ये है ना, कम बेसी मशीन में होता है ना, इसमें एक्सलर दिया हुआ है, आपको थोड़ा प्रेस करने से धीरे धीरे करके वो स्पीड ज़्यादा होगा। इसमें नीचे रबर दिया हुआ है, रबर बहुत बढ़िया क्वालिटी का रबर कंपनी ने दिया है, बहुत बढ़िया है। देखिए रबर फिटिंग जो उस मशीन में रहता है ना, उसका पीछे वाला बैरिंग ख़राब हो जाएगा ना, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा बॉडी में, आपको बॉडी जल्दी ख़राब नहीं होगा। रबर चेंज करने से आपका मशीन बढ़िया से चलने लगेगा। मशीन में बैरिंग ख़राब नहीं है तो हम बैरिंग को पहले आर्मेचर खोलेंगे। देखिए आर्मेचर खोलने की कोशिश करें, ऐसे करके खोल जाए तो अच्छा है। आपको आर्मेचर खोलने के लिए क्या करना है, आपको कपड़ा रखना है। कपड़ा क्यों रखना है, तो हम इसको ठोक के खोलेंगे। ठोक के खोलने से क्या होगा, आर्मेचर गिरेगा तो मिट्टी पे गिरने से पंखा ख़राब हो सकता है, तो उसको सेफ्टी के लिए हम कपड़ा ज़मीन पे डाल दिए। उसके बाद हम कैसे खोलेंगे, देखिए लोहे का एक रॉड ले लेना, उसको जो आर्मेचर है, आर्मेचर का जो गियर होता है ना, वो गियर बॉक्स के अंदर, उसको आपको ठोक के उसको खोलना है। ऐसे करके भी आप खोल सकते हो, नहीं तो आपको एल्युमिनियम से धीरे धीरे ठोक ठोक के आप खोल सकते हो, ये बढ़िया होता है। देखिए ऐसे करके आप खोल लेना। हम गियर ओपन करेंगे, गियर ओपन करने के लिए जो पीछे वाला बैरिंग है उसको हम ओपन करेंगे। मेरा जो पुराना पुलर है उसमें इसमें थोड़ा गैप कम है, तो बैरिंग सैप के अंदर बहुत ही कम गैप है, तो ये जो पुलर है इसमें मैंने इसको बनाया है छोटे काम के लिए, वो तो पतला बना लिया। और लाल कलर का मेरा जो पुलर है वो थोड़ा मोटे है, उसमें ये पकड़ नहीं पाएगा। बैरिंग को पहले ओपन करेंगे, उसके बाद आपको ओपन करके दिखाएंगे स्पैंडल कितना ख़राब हुआ है। पीछे वाला जो बैरिंग है, बैरिंग का साइज़ है 6000 6000। इसमें सर्कल क्लिप लगा हुआ है, हम उसको ओपन कर लेते हैं। सर्कल क्लिप ओपन हो गया है,
हाथों से ओपन नहीं हो रहा है, कूलर से हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं। ये छोटे वाला पुलार से मदद से हम गियर को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये छोटे वाला पुलार से ओपन नहीं होता, ये इसका शैफ्ट थोड़ा ख़राब है, प्ले भी हो गया, इस वजह से हम इसको खोल रहे हैं, नहीं तो ये पुलार ख़राब हो जाएगा। आपको ये गियर बड़े पुलार से ओपन करना है। देखिए धीरे धीरे करके हम पुलार को कसने के बाद गियर ओपन हो जाएगा। देखिए गियर ओपन कर लिया है, स्पैंडल ओपन करना है। गियर के अंदर जो चाबी रहता है वो चाबी भी हम खोल लेते हैं। आपको ऐसे कुछ सॉकर लेना है, नीचे रख के आपको ठोक के उसको खोल लेना है। ऐसे कुछ सैप लेना है जो छोटे सैप के आर पार चला जाए, धीरे से आपको ठोक के उसको खोलना है, नहीं तो ऊपर वाला सैप में आप हैमर से टक्कर मारने से सैप मुड़ सकता है, तो आपको उस चीज़ का भी सावधानी बरतना है। अब धीरे से ठोक के उसको खोल लेना। देखिए मैंने बैरिंग से स्पैंडल निकाल लिया है। ये हाउसिंग में 3 नट दिया गया है। हाउसिंग में 2 नाट ही होता है, इसमें 3 दिया गया है, मेरे को ये अच्छा लगा। स्पैंडल थोड़ा ख़राब हो गया है, एक साइड से मार हुआ है। इतना मार नहीं हुआ है, इसको चेंज करना पड़े, इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। हाथों से आपको देखना है कितना मार हुआ है, कितना आपको ऐसे हाथों से आपको पता चल जाता है। देखिए आप सैप देख के पता चल रहा है, एक साइड से मार हुआ है, इस साइड से आपको मार नहीं हुआ है, देखिए इस साइड से मार हुआ है, तो यही वजह से ये मशीन ज़्यादा वाइब्रेट करता है। तो आप इसको रिपेयर कर सकते हो। कैसे रिपेयर करना, फेविक्विक से आप इसको रिपेयर कर सकते हो। देखिए हाथों से ये अंदर धंस रहा है, कितना ख़राब हुआ है आपको देख के। आपको स्पैंडल में जब भी गियर फिटिंग करना बहुत कष्ट होता है इसको फिटिंग करने में, और ठोक के बढ़िया से उसको पिसार से हम फिटिंग करते हैं। बैरिंग को हम ग्रीसिंग करेंगे। पहले हम जो ऑयल सील होता है ना, ग्रीस कैप, तो ग्रीस कैप को हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम ग्रीसिंग करने के बाद फिटिंग करेंगे। अब बढ़िया से साफ कर लेना।
आप पहले बैरिंग को फिटिंग कर लेना, उसके बाद आप आर्मेचर फिटिंग करना, बढ़िया से फिटिंग होता है। अब लकड़ी से ठोक के इसको बैठा लेना। कस्टमर आया है 5 किलो हैमर रिपेयर करने के लिए। अब धीरे से इसको बैठा लेना। बढ़िया से फीड नहीं हो रहा है। लकड़ी से ठोक के भी बैठाने की कोशिश करते हैं। आपको हाथों से घुमा के देखना है, बढ़िया से मूव कर रहा है। बढ़िया से नहीं मूव करेगा तो, बढ़िया से नहीं बैठ पाएगा तो आपको खोल के दोबारा से फिटिंग करने के बाद फिर से फिटिंग करना पड़ेगा। हम खोल लेते हैं दोबारा से फिटिंग करके, और मेजर थोड़ा और बैठेगा। हम देख लेते कितना बैठना है। हैमर से आपको ठोक के इसको बैठाना है, आपको धीरे से ठोकना है। बढ़िया से फिट हो गया है, देखिए हम बढ़िया से इसको फिट कर पाएंगे। मशीन में थोड़ा कष्ट हो रहा है फिटिंग करने में, दूसरे जो मशीन है फिटिंग करने में ऐसा कष्ट नहीं होता है। बढ़िया से मूव हो रहा है तो फिटिंग बढ़िया से हो गया है। हम नाट कस लेते हैं, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था इसलिए हम नाट कसने का जो वीडियो है हम इसको स्पीड कर लेते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। नट कसने के बाद हम गियर स्पैंडल कैसे रिपेयर होता है हम आपको दिखाएंगे, आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हो। अब फिटिंग करने के बाद आप हाथों से घुमा के देखना, बढ़िया से मूव नहीं कर रहा तो लकड़ी से ठोक के आप बढ़िया से मूव कर लेना।
उसके बाद कार्बन डाल लेना। हम लाइट में टेस्टिंग करेंगे। कभी कभार क्या होता है, कार्बन बढ़िया से फिटिंग नहीं होता था, स्पार्क करते हैं उसको। बढ़िया से फिटिंग करने के बाद पीछे वाला जो बैक कवर है उसको फिटिंग कर लेते हैं। बॉडी को अच्छे से हम कस लेते हैं। हम ऐसे पीछे घुमा लेते हैं। मशीन बढ़िया से फिटिंग हो गया है तो ग्रीस हाउसिंग का जो बैरिंग है स्पैंडल, हम उसको रिपेयर करेंगे। लॉक को चेक के लिए बढ़िया से ये लॉक हो रहा है। स्पैंडल को अच्छे से साफ सफाई करने के बाद हम उसको रिपेयर करेंगे। पहले पैनल को हाउसिंग के ऊपर फिटिंग कर लेते बढ़िया से। आपको सटीक जो जोगान है उसी के ऊपर रख के इसको ठोक के बढ़िया से फिटिंग करना है। अब धीरे धीरे ठोक से हम फिटिंग कर लेते हैं। आपको घुमा के देखना, बढ़िया से मूव कर रहा है। देखिए अच्छे से साफ सफाई कर लेना। उसके बाद जो आपको फेविक्विक से आप चिपका के उसको बढ़िया से फिटिंग करेंगे। उसके बाद हम चाबी जो ना की है उसको फिटिंग कर लेते हैं बढ़िया से। अब बढ़िया से सैप के ऊपर आपको फेविक्विक डाल लेना है। अब घुमा घुमा के आपको फेविक्विक डालना है। गियर के अंदर भी आपको फेविक्विक डाल लेना है। उसके बाद आपको जो चाबी है उसके ऊपर आपको जहाँ से बैठना है बढ़िया से आपको देख के बैठाने के बाद आपको फिटिंग करना है बढ़िया से। ऐसे कुछ सामान लेने के बाद आपको ठोक के इसको सेट कर लेना है। अब धीरे धीरे करके इसको सेट करना है। अब चाबी को भी देखना है बढ़िया से उसको फिटिंग हो रहा है। देखिए बढ़िया से हम फिटिंग कर लिया। पहले जैसे प्ले हो रहा था ऐसे नहीं हो रहा है, बढ़िया से मूव भी कर रहा है। शार्क क्लिप हम थोड़ा बड़ा कर लिए थे उसको थोड़ा छोटा करेंगे। उसके बाद इसको बढ़िया से फिटिंग करेंगे।
जब भी सार क्लिप हम ओपन करते थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करने के बाद खोल जाता है बढ़िया से। उसके बाद हम सार क्लिप को छोटा करने के बाद बढ़िया से फिटिंग करते हैं। आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो टूट जाएगा, आपको आप काम करते करते सीख जाओगे। सार क्लिप हमने लॉक कर लेते हैं, पीछे वाला जो छोटा बैरिंग था उसको फिटिंग कर लेते हैं। बढ़िया से फिटिंग हो गया, हम उसमें ग्रीसिंग करने के बाद फिटिंग कर लेंगे। आप ऐसे करके रिपेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्ले रहता तो आप उसमें फिटिंग नहीं कर पाओगे, तो उसको चेंज करना है। बढ़िया से बैठ नहीं रहा, इसमें ग्रीस होगा, तो आपको बढ़िया से साफ सफाई करने के बाद ही फिटिंग कर पाओगे। नहीं तो आप नाट कसने के बाद भी फिटिंग हो जाएगा। उसके बाद हम ऊपर ये कवर है उसको फिटिंग कर लेते हैं। कवर फिटिंग होने के बाद हम चला के देखेंगे, बढ़िया से चल रहा है, तो हम लोहे कटिंग करके देखेंगे इसमें वाइब्रेट हो रहा है नहीं हो रहा है। बढ़िया से चलने लगेगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो फिर खोल के हम उसको दोबारा से रिपेयर करेंगे। देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक। मशीन बढ़िया से चल रहा है, मशीन में कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सख्त हो गया, खुलने में दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट करके बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। आप ऐसे करके स्पैंडल का जो भी ऐसे दिक्कत होता है आप ऐसे रिपेयर कर सकते हो।